हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आ गए हैं आपके साथ फिर से एक नई स्टोरी लेके। तो बेसिकली आज हम जा रहे हैं गुड़गावा सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी, जो मेरे घर से करीबन 30 से 35 किलोमीटर दूर है। डेस्टिनेशन छोटा है मगर मज़ा बहुत आने वाला है। एक बहुत ही प्यारी जगह है। लॉकडाउन के बाद में फर्स्ट टाइम अभी खुली है और कुछ दिन पहले खुली है और अब हम जा रहे हैं यहाँ पे। आज हम अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे और साथ ही आपको दिखाएंगे खूबसूरत नज़ारे नेचर के। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, हम सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी पहुंच चुके हैं और ये एंट्री गेट है और यहाँ देख सकते हैं बहुत अच्छा ग्राउंड है इनिशियली जो बैठने के लिए यूज़ किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। दिल्ली एनसीआर में इतनी ब्यूटीफुल जगह हो सकती है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से यहां मैनेज किया गया है, ये उससे भी ज़्यादा बड़ी बात है। तो यहां पे आना बहुत ही सिंपल है। जो यहां पे एंट्री फीस है वो इंडियन सिटीज़न के लिए सिर्फ 5 रुपये है। और अगर आप अपना DSLR स्टिल कैमरा लेके आ रहे हैं, किसी तरह कैमरा लेके आ रहे हैं, तो 50 रुपये उसकी एंट्री फीस है। और व्हीकल पार्किंग चार्जेज हैं 10 रुपये। तो करीबन एक पर्सन का 65 रुपीज़ का मुझे आज ये एंट्री टिकट लेनी पड़ी। तो ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो मॉर्निंग वॉक के लिए स्पेशली इस पार्क में आ रहे हैं। तो कुल मिला के आप देख रहे हैं कि जगह बहुत ही प्यारी है, दिल्ली से लगी हुई है। तो यहाँ पे एक दिन का पिकनिक डेस्टिनेशन बना सकते हैं। यहाँ पास में ही सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी का एक रिज़ॉर्ट भी है। उस रिज़ॉर्ट में खाने पीने का और इवन रूम्स का भी अरेंजमेंट है। तो आप एक दिन की आउटिंग भी यहाँ प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे धूप निकलती जा रही है वैसे वैसे यहाँ पे ठंड कम होती जा रही है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग यहाँ आ रहे हैं तो अपने साथ कुछ ऐसा जरूर रखें जिससे ठंड ना लगे। जैकेट्स या स्वेटर्स जरूर रखें क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है सुबह के टाइम पे as compared to city। दोस्तों, आपको जगह जगह यहाँ पे इस तरह के बोर्ड देखने को जरूर मिलेंगे। अगर आप नहीं जानते कौन सा बर्ड क्या है तो ये उसके बारे में बहुत अच्छी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये करीबन हर 100 मीटर के बाद में इस तरह का एक बोर्ड है जहाँ पे अलग अलग बर्ड्स के बारे में डिटेल्स दी हुई है। दोस्तों, ये करीबन 4 किलोमीटर का पूरा एरिया है। बीच में एक झील भी है जिसमें बहुत सारे बर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर इस तरह की एक पगडंडी है जो पूरे 4 किलोमीटर का एरिया कवर करती है। कुछ कच्चे रास्ते भी हैं अंदर डीप जाने के लिए, जहाँ पे आप जाके बर्ड वॉचिंग कर सकते हैं, फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। तो यहाँ ऐसे बहुत सारे फ़ोटोग्राफ़र्स हैं जो आते हैं यहाँ पे
स्पेशली बर्ड्स को देखने के लिए, उनकी फ़ोटोज़ कैप्चर करने के लिए प्रोफेशनल्स भी आते हैं, कुछ नाइफ मेरे जैसे लोग भी आते हैं। दोस्तों, बर्ड फोटोग्राफी के लिए जो कैमरा यूज़ किए जाते हैं वो कोई भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट कैमरा आप रखिए। आप एक हॉबी है आपकी बर्ड फोटोग्राफी करना, नेचर फोटोग्राफी करना, तो उसमें जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होती है वो एक जूम लेंस की रिक्वायरमेंट होती है। वो जूम लेंस कोई भी हो सकता है, आपका किट लेंस भी हो सकता है, और आप प्रोफेशनल हैं तो डेफिनेटली 100-500 mm, 600 mm वाले जो लेंसेज होते हैं वो ज़्यादातर प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं अच्छी फोटोग्राफ्स के लिए, ज़्यादा डीप जाने के लिए, ज़्यादा क्लोज जाने के लिए। क्योंकि आप तो अभी हम यहाँ एक वॉच टावर ढूंढ रहे हैं, वॉच टावर जैसे ही मिलता है हम उस पर ऊपर से आपको यहाँ का पूरा एक एरियल व्यू दिखाएंगे। यहाँ पे ड्रोन्स वगैरह अलाउ नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, नॉइजी होते हैं, और जितने भी बर्ड फोटोग्राफर हैं वो अलोन रहना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो कंसंट्रेट हो पाते हैं कि कहाँ पे अच्छे शॉट्स मिलेंगे, कैसे वो नेचर को प्रॉपर तरीके से देख पाते हैं, कंपोज कर पाते हैं अपने फोटोग्राफ्स को। तो हमने पूरा 4 किलोमीटर का एरिया कवर अप कर लिया है और बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ हमें देखने को मिले। होप आप जब ये वीडियो देखेंगे पता लगेगा कि कितना प्यारा और कितनी खूबसूरत जगह है ये। और जो बर्ड वॉच करना चाहते हैं, जो बर्ड फोटोग्राफी करते हैं, जो नेचर फोटोग्राफी करते हैं, ये तीनों के लिए बहुत प्यारी जगह है। और साथ ही यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि सुबह सुबह लोग मॉर्निंग वॉक के लिए भी बहुत आए थे, फैमिली के साथ यहाँ पिकनिक मनाने आ रहे हैं, तो ऑल टुगेदर इज़ ए वन ऑफ द बेस्ट प्लेस नियर दिल्ली NCR, जहाँ आप आके अपना एक दिन स्पेंड कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे नेशनल पार्क के कॉटेजेस हैं जहाँ पे आप एक या दो दिन अपने वीकेंड्स को यहाँ पे बिता सकते हैं, बहुत अच्छा खाना मिलता है यहाँ पे, सारी फैसिलिटीज़ हैं। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। आज के जो फोटोग्राफ्स हैं, कुछ सिलेक्टेड फोटोग्राफ्स हम वहाँ पे शेयर करेंगे। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली आफ्टर ए लॉन्ग टाइम इस लॉकडाउन के बाद में, जैसे ही मुझे पता लगा सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी ओपन हो चुका है तो हमने यहाँ का विज़िट बनाया। तो होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और जिसमें हमने बताने की कोशिश की आप तक सही तरीके से पहुँचा भी होगा। आप अपने व्यूज़ नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं और इसी तरह से हमारा सफ़र आगे कंटिन्यू रहेगा, हम नई नई जगह एक्सप्लोर करते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।